अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद हो। माशाल्लाह इस बाबरकत महीने के सरसदे अल्लाह पाक आपके मेरे हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सबके अपने प्यारों को अपने हिस्सों में मामे रखे, आमीन। आज जो है मैं आप लोगों के साथ बच्चों के जो है नज़ार मौसम के कपड़ों की जो है शेयरिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कपड़ों की शेयरिंग कह रही हूँ। हम लोगों ने एक्चुअली रमज़ान आने से पहले जो है कपड़े लिए थे, जो कि जिनको आप ईद प्लस समर के कपड़े कह सकते हैं, क्योंकि हमने बीच में ही समर के और बीच में ही हम लोगों ने ईद के जो है कपड़े बच्चों के ले लिए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि इन सब में से मैं कौन से जो कपड़े हैं वो अनाज़ार मौसम को जो है ईद वाले दिन पहनाऊँ। क्या है कि पिछले साल हम लोगों ने मौसम के भी जो थे वो लिए थे लॉन के शलवार कमीज, जो कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अभी उसने आधा घंटा ही पहने हुए होते थे कि उसकी शलवार जो है नीचे से आसन से फट जाती थी और 9 के 9 सूट जो थे वो बेकार के थे। तो इस दफ़ा इसलिए अदनान ने जो है मुसब के रेडीमेड कपड़े लिए हैं, और तो इंशाल्लाह अभी तो जो है गर्मियों ने आना है, अभी तो अप्रैल स्टार्ट होना है, एक दो दिन तक अप्रैल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो बच्चों के जाहिर बात है और लेने हैं, ये फ़िलहाल जितना हमसे हो सका हम लोगों ने अभी ले लिए, के बाद की जो है इंशाल्लाह बाद में देखी जाएगी। बाद में जाहिर बात है आप लोगों को पता है बच्चों के कपड़े जितने हैं वो कम हैं, तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह पाक अब बारिशें जो हैं बंद कर दें, क्योंकि बहुत बारिशें हो रही हैं, तो बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करवाए। जी सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नेज़ा के कपड़े, जो कि हमने रेडीमेड उसके भी लिए हैं। जो है मैं आप लोगों को मुसब के जो है निकर शर्ट्स दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, ये जो है इन डिब्बों में, ये है बच्चों के शूज़ जो कि हम लोगों ने ईद के लिए लिए थे और हम लोगों ने सर्विस वालों से लिए थे। तो ये मैं आप लोगों को ये भी खोल के दिखाती हूँ। तो मूसफ को पेशावरी चप्पल बहुत बहुत पसंद थी, तो हम लोगों ने फिर इसको ये लेके दी कि चलो शलवार कमीज़ के नीचे ये पहन लेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा। जी फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं शूज़, ये है ओनेज़ा के, और ओनेज़ा ने ये खुद पसंद किए थे कि मैंने कैटो वाले लेने हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ओनेज़ा और मूसफ के कपड़ों के स्टाइल? और आप लोगों ने मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में नीचे लाजमी बताना है कि मैं इन लोगों को ईद वाले दिन जो है कौन सा जो है ड्रेस पहनाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला जो है ट्रेडिशनल हम लोगों का रवायती कपड़े, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर वो नेक्स्ट व्लॉग में उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए करें। तो आप लोगों को ये आज का व्लॉग, आज की वीडियो, आज की शेयरिंग कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।